उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी ने तबाही मचा रखी है। अब शहरों के बाद कोरोना गांव में भी आ चुका है और गांव के लोगों पर भी अपना कहर बरसाना शुरू कर चुका है। इसी बीच आज हम मौजूद हैं लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के एक गांव में, जहां पर हम गांव वालों से ही बातचीत करके जानेंगे कि जब अब शहर से कोरोना गांव में पहुंच चुका है तो गांव में स्वास्थ्य विभाग के तरफ से किस किस तरह की सुविधाएँ दी जा रही हैं और सरकार के तरफ से कोरोना से बचने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए किस तरह का कार्य कराया जा रहा है। तो सर, कोरोना इस तरीके से बढ़ रहा है, अब गांव में भी आ गया है, तो गांव में लोगों को जानकारी कम होती है, तो आप लोगों को किस तरह से मतलब जागरूक किया जा रहा है या सरकार की तरफ से किस प्रकार से मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से मैम कोई सुविधा ही नहीं है आज तक। स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र भी बंद पड़ा है, डॉक्टर ही नहीं आते हैं उसमें। तो अगर अभी तक क्या किसी को यहाँ पे कोरोना हुआ है? कोरोना की जांच ही नहीं हुई तो कोरोना हुआ क्या पता नहीं है, लेकिन मौतें तो हुई हैं, लेकिन पता नहीं कोरोना से हुई कि ऐसे नॉर्मल हुई है, जब जांच नहीं हुई तो क्या पता। तो अभी तक सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं मिली है? कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की। तो अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो आप लोग कैसे उसको, कैसे इलाज हो रहा है, क्योंकि इस समय तो बस घरेलू इलाज है और क्या है। कोरोना के नाम पे तो हमारे यहाँ कोई जांच अभी तक हुई नहीं, दर्जनों लोग मर चुके हैं, एक दिन में तीन तीन बाल्टी हम लोगों ने दफनाई है। रही बात इलाज की, तो चूंकि झोला छाप डॉक्टर गांव में है, एक आध वही उन्हीं से इलाज मिला है। सरकारी कोई आज तक ना कोई संस्था है, ना कोई जांच हो पा रही है यहाँ पे, और काफ़ी लोग जो है बीमार हुए, सर्दी जुकाम बुखार खांसी जकड़न निमोनिया से मर गए लोग, पता नहीं चल पाया क्योंकि जांच हुई नहीं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कैसे मर गए। गांव में थोड़ा सा गंदगी का भी अंबार है, सैनिटाइजर हुआ नहीं, कोई प्राइवेट संस्था ने कराया था एक बार, उसके बाद आज तक कोई आया नहीं गाँव में। इसको ज़रूरी है कि एक बार जो है हमारे गाँव में स्वास्थ्य भी लगाया जाए, एक बार जाँच की जाए, क्योंकि कोरोना हमारे गाँव में घुस चुका है 99%, लेकिन चूँकि जाँच नहीं तो कह नहीं सकते, सिम्टम्स सारे वही हैं। सैनिटाइजेशन हुआ है गांव में या नहीं? सैनिटाइजर वो ललन कुमार हैं, बिकटी से विधानसभा खड़े हुए, वो सैनिटाइजर करवाए ने हमारे गांव में। मतलब अभी जो मतलब सरकार की तरफ, सरकार कोई मदद नहीं कर रही, कोई मदद भी नहीं कर रही, ना कुछ सुनने का तैयार। बताया जा रहा है गांव में भी कोरोना आ चुका है, 21 लोग की मौत हो चुकी है, 21 लोग की मौत हो चुकी है। हाँ, बड़ी स्थिति खराब है गांव में, कोरोना ही रहा बिल्कुल क्लियर, हमें कोई जांच नहीं हुई है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने गांव में आकर लोगों से बातचीत की, इन लोगों का साफ तौर पर कहना यही है कि सरकार के तरफ से ना तो गांव में अभी तक कोई जागरूकता अभियान चलाया गया है, ना ही यहां पर सैनिटाइजेशन कराया गया है। बताया जा रहा है कि कोई एक निजी संस्था ने गांव में सैनिटाइजेशन कराया है और अभी तक 20 से 21 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन गांव में किसी प्रकार की कोई टेस्टिंग नहीं है, गांव में किसी प्रकार की कोई जागरूकता नहीं है। लोग ज्ञान की कमी के कारण, लोगों को नहीं पता है ज़्यादा कोरोना के बारे में, इस कारण लोग अपना दम तोड़ दे रहे हैं, बिना इलाज के लोगों की जाने जाती जा रही हैं। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।